बिसम असल मैं हूं आपके साथ आपके टीचर में शाइशा और आज हम आपकी कैमरिड स्कॉलर सीरीज साइंस ग्रेड फोर को स्टडी करने जा रहे हैं और उम्मीद करती हूं आप सब कैरियर से होंगे तो चलिए आज का हम अपना लेसन नंबर वन फ्रॉम यूनिट नंबर वन स्टार्ट करते हैं दिस इज़ द टाइटल ऑफ़ योर बुक एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लेसन नंबर वन विच इज़ फ्राम योर यूनिट नंबर वन और आपके यूनिट का नाम क्या है करेक्टरिस्टिक्स एंड लाइफ प्रोसेस ऑफ़ लिविंग ऑर्गेनिजम्स सो फ्रॉम योर प्रीवियस ग्रेड्स यकी आपको पता होगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या हैं। सिंपली आपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बहुत बार स्टडी किया होगा उसको हम फर्दर अपनी स्लाइड्स में डिस्कस करते जाएंगे और इस टाइम आपके चैप्टर का मकसद क्या है कि आपको वो करेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए और वो लाइफ प्रोसेस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं सिंपल वर्ड्स में व्हाट इज़ मेंट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म तमाम जानदार जितनी भी चीज़ें जो जान रखती हैं जिनके अंदर कुछ ऐसी ख़ास खसूसियात पाई जाती हैं जिनको हम कहते हैं कि वो बेजान चीज़ों में आपको नहीं मिलेंगी वो क्या है करेक्टरिस्टिक्स और लाइफ प्रोसेस क्या हैं जितनी भी चीज़ें जान रखती हैं या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं आपने देखा होगा कि उनको अपनी डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए अपने आप को अलाइव रखने के लिए दे हैव टू परफॉर्म सम एक्शंस उनको कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं जो कि उनके क्या है लाइफ प्रोसेस ज़िंदगी की ज़रूरियात आपकी ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको वो प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है और वो प्रोसेस क्या हैं आपको खाना खाना होता है आपकी ग्रोथ भी होती है आप बात करते हैं आप हंसते हैं आप सोचते हैं आप चीज़ों को रिस्पोंड करते हैं आप एक स्क्रीट भी मतलब हम आगे जाके करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे इन सब लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए जितनी भी चीज़ें जानदार हैं उनके अंदर कुछ खास खसूसियात पाई जाती हैं उन खसूसियात को हम क्या कहते हैं करैक्टरिस्टिक्स सो इन दिस चैप्टर हम इस चैप्टर में लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के वो तमाम खसूसियात फ़ीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे जो उनके लाइफ प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको फर्स्ट ऑफ ऑल आप किन कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं या प्लांट्स या एनिमल्स पौधे या जानवर जानवरों में आपके इंसान भी आ जाते हैं कुछ बेसिक uh, uh, इसी तरह से फीचर्स हैं जिसमें हम उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे सो लेटर्स स्टार्ट आर लेसन नंबर वन टूडे ओके नाउ टीचर्स मैं आई वुड सजेस्ट यू वाइल सिटिंग इन द क्लास जस्ट गाइड द स्टूडेंट्स टू लुक अराउंडल्स टू आइडेंटिफाई सम ऑफ़ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड सम नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो डिस्कस विद द स्टूडेंट्स कि किस बेस पर उन्होंने अपने इर्द गिर्द से क्लास में बैठे हुए उन्होंने कुछ चीज़ें लिविंग ऑर्गेनिजम्स फाइंड आउट की होंगी और कुछ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या वजह है कि उन्होंने जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी है उसमें जिन चीज़ों को लिखा किस वजह से लिखा और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें जिन चीज़ों को लिखा तो क्यों डिफरेंशियट किया तो आप क्लास में डिस्कस कर सकते हैं कि लाइक like अगर किसी बच्चे ने डोर लिखा क्यों लिखा कि वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है क्योंकि डोर मूव नहीं कर रहा ख़ुद से ना ही उसकी साइज़ में उसको कोई चेंज नजर आए जो कि ग्रोथ का प्रोसेस है सो सम ऑफ द फीचर्स आर देयर जो बच्चों को लगा कि नॉन लिविंग में उन्होंने आइडेंटिफाई किए और वो फीचर्स उन को लगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिफरेंशिएट करते हैं जिसकी बेस पे वो बताएंगे कि ये चीजें लिविंग हैं और ये नॉन लिविंग हैं सो द पॉइंट विल बी क्लियर रिगार्डिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज एन इस्लामिक इन इन कुरान अल्लाह सेज बी होल्ड फॉर हु बिलीव देयर आर साइंस द एंड अर्थ खुदा ने अकल वालों के लिए दुनिया में निशानियाँ रखी हैं अगर आप अपने इर्दगिट ऑब्जर्व करें नेचर को देखें कुदरत के मनाजिर देखें आपको वेराइटी ऑफ प्लांट्स वेराइटी ऑफ एनिमल्स और अल्लाह की बनाई हुई बेजान चीज़ें आपको हर चीज़ में बहुत वेरिएशन नज़र आएगी वो वेरिएशन किस वजह से है वो, वो फीचर्स जो हर चीज़ एक दूसरे से वेरी करती है उस बेस पे सो द एस एल ओ वी आर गोइंग टू कवर फ्रॉम योर बुक इज टू कंपेयर एंड टू कंट्रास्ट द करेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश मेजर ग्रुप्स ऑफ लिविंग थिंग्स और वो मेजर ग्रुप्स क्या हैं हमने अभी पढ़ा या प्लांट्स या एनिमल्स आपके फर्दर चैप्टर्स में आगे आने वाले लेक्चर्स में हम प्लांट्स और एनिमल्स को भी फर्दर ग्रुप्स इनके सब डिविजन्स करते जाएंगे बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए जितने भी दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या वो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं द टू मेन कैटेगरीज इस चैप्टर में और इस एस में हम क्या कवर करेंगे प्लांट्स और एनिमल्स में करैक्ट्रिस्टिक्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के करेक्ट्रिस्टिक्स हैं वो किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट हैं लाइक like, हम प्लांट्स को प्लांट्स क्यों कह रहे हैं एनिमल्स को एनिमल्स क्यों कह रहे हैं क्योंकि दोनों के अंदर बेसिक करेक्टर्स हैं लेकिन मुख्तलिफ अंदाज में वो उनको परफॉर्म करते हैं सो द क्वेश्चन इफ एनिमल एंड प्लांट्स बोथ आर लिविंग या अगर दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं तो फिर हम उनको लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्यों कहते हैं क्योंकि दोनों के अंदर अगेन वी विल कम टू द टॉपिक और द द टाइटल ऑफ बुक चैप्टर क्योंकि दोनों के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिसकी वजह से हम उनको लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं ऑल्सो वट इज मैं बाई करेक्टरिस्टिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के करेक्टरिस्टिक्स हैं क्या आपको क्या लगता है आपके अगर आप लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को आइडेंटिफाई करें तो कौन से ऐसे करेक्टर्स हैं जो आपको लगता है लिविंग थिंग्स में आपने ऑब्जर्व किए जस्ट रिकॉल यू मे नोटिस के लिविंग थिंग्स को आपने मूव करते देखा अपनी क्लास के डोर को आप देखते हैं कि वो खुद से मूव करता है या वो ग्रो करता है वो आपसे बात करते हैं नो सो दीज आर द थिंग्स आप देखते हैं कि आप अपनी बचपन की पिक्चर देखें अब अब अपने आप को देखें तो यू आर ग्रोइंग एल्डर ऑल्सो आप खाना खाते हैं सो दे आर सो मेनी अदर फीचर्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं लेकिन आपको अपने एडगेट की नॉन लिविंग में नहीं मिलते अगेन द क्वेश्चन इज देयर अगर प्लांट्स और एनिमल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो जब वो मर जाते हैं वेन दे आर डेड तो क्या हम उनको लिविंग कहते हैं या नॉन लिविंग में कैटेगराइज करते हैं सिंपल इज़ दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर एट द एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स लेकिन हमने चैप्टर के टाइटल में भी पढ़ा कि कुछ ऐसे लाइफ प्रोसेस हैं कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो बताती हैं कि यू आर अ लाइफ यू आर लिविंग ऑर्गेनिज्म वो एक्टिविटीज़ क्या हैं आप ग्रो करते हैं आप मूव करते हैं जानदार चीज़ें खाती हैं पीती हैं सो से देर आर करेक्टरिस्टिक्स जो हम आगे पढ़ेंगे अब जब जानवर और पौधे मर गए हैं तो वो लिविंग लेकिन उनके अंदर वो लाइफ प्रोसेस परफॉर्म नहीं हो रहे और उन लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए उनके अंदर वो फीचर्स होने चाहिए वो करैक्टरिस्टिक्स होने चाहिए मूवमेंट ग्रोथ ईट एंड टॉक फीडिंग जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि दीज आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स सो so सिंपल अब आपको क्लियर हो गया होगा कि करेक्ट्रिस्टिक्स होते क्या हैं वो तमाम खसूसियात या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी फीचर्स फीचर्स मतलब उसकी सारी अपरेंट लुक उसका बिहेवियर लाइक डिफरेंट पर्सनस बिहेव इन डिफरेंट वे डिफरेंट एनिमल्स बिहेव इन डिफरेंट वे और उसकी हैबिट्स किसी भी एक ऑर्गेनिज्म की फीचर्स उसकी हैबिट्स उसका बिहेवियर जो उसको बाकी तमाम चीज़ों से वेरी करता है मुख्तलिफ करता है उसको हम क्या कहेंगे उसके करेक्टरिस्टिक्स सो वाई वी नीड टू स्टडी दिस करेक्टरिस्टिक्स स्टडी ऑफ सच करैक्टरिस्टिक्स लेस डाउन द फाउंडेशन टू आइडेंटिफाई बिटवीन डिफरेंट ग्रोप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर point came, जो आप अपने फर्दर लेक्चर्स में पढ़ेंगे फर्दर चैप्टर्स में पढ़ेंगे हर क्लासेस में ज़्यादा क्लैरिफाई होता जाएगा इन करेक्टरिस्टिक्स की इन फीचर्स की इन खसूसियात की बुनियाद पे हम बहुत वैरायटी के ऑर्गेनिजम्स को चीज़ों को डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं और किसी एक ग्रुप के किसी एक मेम्बर के अगर आप उठा के फीचर्स को स्टडी करें तो यू कैन ईजीली आइडेंटिफाई द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स जो उस ग्रूप के बाकी तमाम मेंबर्स हैं उनमें भी ये खसूसियात पाई जाती हैं इस वजह से उनको हमने एक ग्रुप में रखा और दूसरे ग्रुप से डिफ्रेंश कर दिया सो दीज करेक्टरिस्टिक्स आर इम्पोर्टेंट टू आइडेंटिफाई एंड टू क्लासीफाई द डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज़म्स और इन वेरिएशन की वजह से या करेक्टरिस्टिक्स के डिफरेंट होने की वजह से होता क्या है हमारी दुनिया में अल्लाह त बहुत वैरायटी की चीज़ें बनाई हैं जिसकी वजह से सबके अपने अपने फीचर्स हैं और हम सबको अलग अलग तरह से स्टडी कर सकते हैं सो so, टीचर्स आप अब स्टूडेंट्स को अब आप तक आपने पढ़ा करेक्टरिस्टिक्स क्या है लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है लाइफ प्रोसेस क्या हैं आपको क्या लगता है वट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स कौन सी वो बुनियादी ज़रूरियात हैं जो आपको लगता है यू मस्ट ऑब्जर्व या यू ऑब्जर्व और यू फील दैट दे आर नीड इड कि उसकी ज़रूरत है उन ज़रूरियात की ज़रूरत है या ज़रूरी हैं लिविंग ऑर्गेनिज़म्स में आपने अब तक करेक्टरिस्टिक्स को हल्का सा हमने स्टडी किया या डिस्कस किया कि करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं मूवमेंट ग्रोथ एक्सक्रीशन रेस्पिरेशन दिस वी विल डिस्कस इन लिटल डिटेल इन आर फर्दर डिस्कशन लेकिन आपको क्या लगे इन ऑर्गेनिजम्स में ये ये चीज़ें क्या चीज़ें जो ज़रूरी हैं जो आपको लगता है कि उनको ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में ला रही हैं

फूड वाटर और एयर चाहिए होता है सो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स नाउ लेट अस डिस्कस एंड हैव अ लुक अपटिल फ्रॉम आर डिस्कशन अपटिल नाउ के बेसिक करेक्टरिस्टिक्स सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या हैं देर आर सेवन बेसिक करेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दो ग्रुप प्लांट्स या एनिमल्स और हमने अपने एस एल ओ के मुताबिक इनको डिफ्रेंशिएट करना है कंपेयर करना है इन करेक्टरिस्टिक्स की बेस पे कि एनिमल्स में करैक्टरस्टिक्स किस तरह से परफॉर्म होते हैं और प्लांट्स इन्हीं करैक्टरिस्टिक्स को किस तरह से परफॉर्म करते हैं और वो परफॉर्मेंस उनकी क्या है उनके लाइफ प्रोसेस सो प्लांट्स एंड एनिमल बींग अ लिविंग ऑर्गेनिज्म दे हैव टू मूव उनको मूव करना पड़ता है मूवमेंट क्या है आपका एक जगह से दूसरी जगह हरकत करना हम अपने फर्दर लेक्चर्स में वी विल डिस्कस लिटिल मोर डिटेल मूवमेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों के लिए ज़रूरी है ग्रोथ नशोनुमा आपका ग्रो करना प्लांट्स और एनिमल्स यू आल्सो नो दोनों ही ग्रो करते हैं आप बीज लगाते हैं पौधे को बेसिक रिक्वायरमेंट्स उसकी पूरी करते हैं तो पौधा ग्रो करता है एनिमल्स इसी तरह से छोटे से बड़े दे पास थ्रू देर डिवेलपमेंटल स्टेजेस एंड ग्रो प्लांट्स और एनिमल दोनों को हमने अभी पढ़ा लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बेसिक नेसेसिटीज क्या हैं एयर एयर हमें क्यों चाहिए सांस लेने के लिए सो so, रेस्पिरेशन सांस लेना प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही सांस लेते हैं दे डू रिस्पायर ऑल्सो प्लांट्स एंड एनिमल्स ईट हम खाना खाते हैं और खाना हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है सो प्लांट्स एंड एनिमल्स या ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन दिस वर्ल्ड दे नीड ईट एंड दे हैव टू फीड प्लांट्स एंड एनिमल्स अगर मैं आपसे कहूँ आपके सामने प्लांट्स भी मुरझा जाते हैं ख़त्म हो जाते हैं एनिमल्स की डेथ हो जाती है सो स्टिल आपको अपने के और एनिमल्स क्यों नज़र आते हैं बिकॉज दे रिप्रोड्यूस दे प्रोड्यूस देर यंग वंस वो पैदाइश के अमल से गुजरते हैं दोबारा पैदा होते हैं या अपने यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं तो दिस इज़ वॉट कॉल्ड रिप्रोडक्शन वी विल डिस्कस इन लिटल ब्रीफ डिटेल इन फर्दर लेक्चर्स प्लाट्स एंड एनिमल्स बींग लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोथ रिप्रोड्यूस एंड दे हैल्सो प्लांट्स एंड एनिमल्स सेंस एंड रिस्पोंड क्या होता है सेंस आपने अपने प्रीवियस क्रिय में पढ़ा होगा फाइव सेंसेस आप सुन सकते हैं बात कर सकते हैं चीज़ों को चख सकते हैं और या आपके अगर कोई ख़तरा है कोई आवाज़ आई है कोई चीज़ ठंडी गर्म लगी है तो आप उस पर एकदम से अपना अमल का इजहार करते हैं रिएक्ट करते हैं वाट इज़ दैट दैट इज़ रिस्पॉन्ड और वो रिस्पॉन्ड आपने कैसे रिस्पॉन्स किया उस अपने इर्गिर्द की चेंज को थ्रू योर सेंसेस आपके अंदर कुछ ऐसी सेंसेस पाई जाती हैं जिसकी वजह से आप चीज़ों को या अपने इर्दगिद माहौल में अगर कोई तब्दीली आती है उसको रिएक्ट करते हैं उस पर अमल का इजहार करते हैं देर इज़ द प्रोसेस एक्सक्रीशन टू पास आउट द वेस्ट एक्सक्रीशन क्या है आपकी बॉडी के अंदर या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो लाइफ परफॉर्म प्रोसेस हो रहे हैं उसकी वजह से आ, कुछ ना कुछ वेस्ट उनके अंदर प्रोड्यूस होता है दैट इज़ वट कोल्ड एक्सक्रीशन हम आगे जा कर इसको फर्दर डिस्कस करेंगे सो सिंपली देयर आर द सेवन करेक्टरिस्टिक्स बेसिक करेक्टरिस्टिक्स वो बेसिक फीचर्स जो आपको तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नजर आएंगे क्या है मूवमेंट ग्रोथ रेस्पिरेशन लिविंग ऑर्गेनिजम ईट एंड फीड दे डू रिप्रोड्यूस, दे सेंस एंड दे रिस्पॉन्ड थ्रू देर सेंसेस एंड दे एक्सक्रीट बट डिफरेंस कहाँ पे है डिफरेंस अमंग प्लांट्स एंड एनिमल्स इज टू एक्सप्रेस अबाउट दीज करेक्टरिस्टिक्स प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही इन करेक्टरिस्टिक को डिफरेंट तरह से परफॉर्म करते हैं सो लेट अस रैप अप रेप लेसन टुडे। हमने क्या पढ़ा आज के लेक्चर में कॉमन करेक्टर्स एंड एनिमल्स आर क्या करेक्टर्स हैं? मूवमेंट ग्रोथ रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन ईट एंड फीड एंड सेंस एंड रिस्पोंड एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स एक्सक्रीट ऑल्सो वी हैव नोटिस दैट और वी हैव डिसकस के डिफ्रेंसिस इन करेक्टरिस्ट डिफरेंसिस एक्सप्रेशन ऑफ दिज करेक्टरिस्टिक्स अमंग प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों ही अपना बॉडी स्ट्रक्चर बॉडी पार्ट्स के हिसाब से इन करेक्टरिस्टिक्स को परफॉर्म करते हैं डिफरेंट तरीके से ऑल्सो देयर इज द होमवर्क गिवन फ्रॉम योर बुक क्वेश्चन नंबर वन इन पार्ट बी आपने वो तमाम फीचर्स जो प्लांट्स और एनिमल्स में बींग लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जस्ट यू नीड टू राइट देअर नेम्स वर्कशीट इज़ अवेलेबल फॉर यू इन विच यू फाइंड हैव टू फाइंड आउट हमने अभी वो सारे फीचर्स पढ़े जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं आपने इस ब्लॉक में से उनको आइडेंटिफाई करके राइट डाउन दैम हेयर एट दी एंड आई मस्ट सजेस्ट यू टू नेवर स्टॉप वॉन्डरिंग एंड आस्किंग क्वेश्चन अपने इर्ग चीज़ों को ऑब्जर्व करें नोटिस करें कुदरत की निशानियों को देखें और चीज़ों को सीखने की कोशिश करें अगले लेक्चर में हम अपने करेक्टरिस्टिक्स को वन बाय वन स्टडी करना शुरू करेंगे जिसमें हम स्टार्ट करेंगे विद द मूवमेंट इन एनिमल्स एंड प्लांट्स टिल देन थैंक यू सो मच विश है यू हैव अ वेरी ग्रेट टाइम अहेड थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़